और जैसी यार हो गया यार, अब मैं मेरे को नहीं रहना यार। मैं तो अभी भी इसको सॉरी बोल रहा है, अभी भी यही आ गया उसमें, वो उल्टा बोल रही है, बोल रही है कि नहीं बोल रही। ऐसे मत करो बेटा, कोई कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चीजें बिल्कुल वो उस पे आ गई तो बार भी आपने ये नहीं कहा कि हां जसलीन भी करती। दिल थाम के बैठ जाओ और अपनी कुर्सियों की पेटी बांध दो, क्योंकि यहाँ जो हमारे घर में आज दिल थोड़े इधर उधर होंगे, अचलेंग मचलेंगे, क्योंकि आज होने वाला एक बहुत ही भयंकर किस्म का प्रैंक। और इस प्रैंक की शुरुआत एक्चुअली कल से हो चुकी है, कल ही कर देता पर क्या हो गया, कल जसलीन ने मुझे फोन तो किया 10-11 बारी और मुझे एक्सपेक्टेड था कि कल वो घर आएगी बाद में, पर वो आई नहीं, तो आज तो पक्का आने वाली। तो अगर मैं किसी दिन व्लॉग नहीं डालता हूं तो ये समझ जाओ किसी प्रैंक की भयंकर शुरुआत हो चुकी है। और कल मैंने एक्चुअली जसलीन का फोन बिल्कुल नहीं उठाया, ना ही उसने मेरे घर वालों को फोन किया, तो आज महासंग्राम होगा। और प्रैंक क्या है चलो मैं पहले घर वालों को बताता हूं, फिर आपको तो पता चल ही जाएगा। आओ अंजी, आज हम करने वाले हैं जसलीन के ऊपर महा प्रैंक, द ब्रेकअप प्रैंक। वो करने वाला तू है, मैं कहीं नहीं इंक्लूडेड हूँ इन सब में। ओ सारे मेकअप किट तेरी तोड़ ताड़ दूंगा, समझ गई। प्रैंक में यार, तू नहीं मैं यार प्रिया यार मैं प्रैंक पुल ऑफ मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, और ना ही मैं जसलीन के साथ कोई बातचीत करूंगी बिना मतलब यार, तुम सब फिर मेरे को ब्लेम कर देते हो हर चीज। अरे इसमें कुछ ब्लेम नहीं करेंगे, हमारी इतनी लड़ाइयां हो रही है और बिना मतलब के। अरे तुझे ब्लेम नहीं करेंगे ले भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ इसमें प्रिया की कुछ नहीं है, मैं हूँ इस प्रैंक का मेन रचयिता और इस प्रैंक का करता रहता, ये सिर्फ यू विल बी ओनली अ पार्ट ऑफ इट, सो यू हैव टू जस्ट। मुझे पार्टी तो नहीं बनना, अरे करना है तो मजा आएगा। इतनी लड़ाई हो रही बिना मतलब की, मम्मी भी मेरे को डांट रही थी कल भी कि बिना मतलब के तुम ये करते रहते हो, हर जगह लड़ाइयां कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो बिना मतलब के मुझे डांट पड़ती है मेरे चीज। अरे यार कुछ नहीं पड़ेगी, एक छोटे से प्रैंक में मेरा साथ देते, ये बहुत तगड़ा प्रैंक है समझ, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा ना, सबका साथ होना जरूरी है। जब तक तेरी दो चार वो हिटिंग लाइंस नहीं आएगी ना तब तक सीरियसनेस नहीं आएगी समझ। ऐसे ही हमारा इतना वो चल रहा है अभी और तभी तो प्रैंक करने का मजा है यार, लाइट हार्टेड रखो, चीजें कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल हो जाएगा एक दिन में, बस आज प्रैंक में खाली मेरा साथ दे दो ठीक है। अब मैं जरा मम्मी को पटाऊं भाई, मदर्स राधे राधे राधे, राधे मेरे को ब्लॉग में मत लेके, तेरे को बोला है ना। अरे यार मम्मी कब तक ऐसे करोगे, समझो आप हमारे व्लॉग की मेन आर्टिस्ट हैं, लोग लिख रहे हैं कमेंट में आपकी मम्मी नहीं है तो व्लॉग में मजा नहीं आ रहा, और आज के व्लॉग में आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जसलीन के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा तड़कता भड़कता प्रैंक। ये सब कुछ मत कर। अरे यार मम्मी बहुत सॉलिड है, सुनो पहले ब्रेकअप प्रैंक ऑन जसलीन की, भाई हमारी कौन चल सकती है अब, इन दोनों के आपस में बहुत लड़ाई हो रही है ये। इसको मतलब इतना वैसे इन दोनों की बनती नहीं है, वैसे बे मतलब के तू और लगवा दे, इनकी सब बनती है, इनके सब ये सब मम्मी चलता रहेगा, प्रैंक मजा कैसे आएगा फिर, या नहीं बोलेगी प्रैंक में या आप नहीं दे चक्कर में ये अपना काम खराब कर दे हैं, इन दोनों का हो जाए बिगाड़ और वो जसलीन रोरो का हालत खराब कर देगी। अरे वो नॉर्मल हो जाएगी यार मम्मी, कुछ नहीं हो रहा यार, तू बोले यार प्लीज यार, तू तो अभी तो वहां माननी पड़ी थी, अब तो ड्रामा करने लगी यार मम्मी, एक प्रैंक कर लो मजा आएगा, ज्यादा होएगा तो मैं बंद कर दूंगा ठीक है, ज्यादा होएगा तो मैं बंद कर दूंगा। कल मैं पूरा दिन ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे को पता था कि आज प्रैंक करना है, मेरे को लगा था कल ही कर देता मैं, परवा कल आई को नहीं तो आज पक्का होगी भी वो, तो उसके आने के बाद ही होगा ठीक है। थोड़ा सा प्ले कर लेना कि भाई बीच बीच में आप भी बोल देना, हाँ मुझे नहीं लग रहा जब प्रिया के साथ नहीं बन रही तो कैसे रहेंगे साथ में, ये वो कोई मतलब नहीं बनता, ये सब आप बोल देना प्लीज यार। पापा मैं कह रहा हूँ जसलीन आने वाली है तो उसके साथ आप एक प्रैंक करेंगे ठीक है। अरे क्यों प्रैंक करेगा, अरे यार डैडी कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देना बस, दोनों आप पिज्जा करने का वैसे झगड़ा रहा मैं। अरे कुछ नहीं होगा यार डैडी, अरे मम्मी को भी मैं यही बोला हूँ कुछ को नहीं होगा, थोड़ा सा खाली आप मिर्च मसाला लगा देना बस, अरे जैसे पहले करे थे पापा सेम करेंगे वैसा ही प्रैंक है, कुछ ज्यादा कुछ को नहीं, और जैसे ही लगेगा थोड़ी बहुत सीरियस होगी तो आप ब्रेक कर देंगे, बोल देंगे प्रैंक है। तो जसलीन बाहर आ गई है और मम्मी ने बोला है कि मैं अंदर कपड़े चेंज कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा टास्क ये है कि प्रैंक स्टार्ट कैसे करना है। अभी तक मैंने उससे थोड़ी सी बातचीत करी है और मतलब कम ही रखी है बातचीत, ताकि उसको लगे हाँ कुछ हुआ तो है, तो उसको हिंट तो है कि कुछ तो सीरियस हुआ है, अब जाके प्रैंक चालू करेंगे। बेटा लड्डू ले ले आंटी, चाय फिर मीठी नहीं लगती, फीकी फीकी लगती है, नमकीन मजेदार है ये वाली, बहुत बढ़िया लगती है। चाय ठंडी हो गई, और लाऊं ना? ना खत्म हो गई, और लाऊं बना के? ना ना काफी देर होगी ना चाय बनाए हुए, ठंडी होगी। आपने नहीं पूछा मैं कल क्यों नहीं आई? हाँ कल क्यों नहीं आई मैं पूछ आपको बताऊंगी, इस लड़के ने मैंने 10 फोन किए हैं इसको नहीं उठाया।
कल, इतने फोन मैसेज भी मैंने डाले दो तीन, फिर कह रहा मैं सो गया, सर दर्द था, बाद में बात करूंगा, ये कोई बात होती है? दस दस फोन करने पड़ रहे, बताओ मेरे को कर लेती। मैंने आपको इसलिए नहीं किया, मैंने कहा पता नहीं कोई बात हो फिर बात खींचेगी जबरदस्ती, से मैंने नहीं किया आपको। घर पे सीधा, अरे फिर शाम हो गई, सुबह से पता ही नहीं चला, मैं काम में लगी, फिर मम्मी बोली जा आज हो क्या क्या हो, मम्मी को भी बोला था, नहीं उठा रहा फोन। अरे मैंने एक चीज डिसाइड करी है जो मेरे को लग रही है, मैं सोचा था अकेले में अपने बात करेंगे, मम्मी और के सामने नहीं करते ये सब बात, अच्छा नहीं लगता करते हुए। क्या बात करनी है? बाद में अपने बात कर लें, तू चाय पी ले फिर उसके बाद करते हैं अपने बात, मम्मी और क्या अच्छा नहीं लगता। पी ली चाय, बोलो लो, लड्डू ले ले। हाँ तो अपने साइड में चल के बात करेंगे ना, मम्मी और के आगे नहीं करते। अरे बोलो ना, ऐसा क्या हुआ है? सारी बातें जब मम्मी पापा सबके सामने करते हैं तो ये भी बोल दो, इतनी इतनी लड़ाई कर लेते हैं, इतनी लड़ाइयां कर लेते हैं जब सब कर लेते हैं, पता चले लड्डू खाना है कि नहीं खाना। वो तो तू खा, उसमें क्या है, वो तो खा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं बात है, खा ले लड्डू। नहीं कुछ तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, कल फोन भी नहीं, मेरे को लग रहा है सही, मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है अपना चल नहीं पाएगा आगे। चल नहीं पाएगा मतलब? अपने आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्या? अरे यही। क्या यही? क्योंकि मम्मी रोज रोज इसकी और प्रिया की बन नहीं रही आपस में, और इनकी अगर आपस में नहीं बनेगी तो फिर आगे तो बहुत प्रॉब्लम है इनकी, हर रोज किसी ना किसी बात को लेके। मैं कह रहा हूँ मैं ही उसमें फिर गलत भी साबित होता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, अब अगला थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते भी इनकी नहीं बन रही है तो आगे ये क्या ही करेंगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और इतना तो बंदा मजाक ले ही सकता है यार, आपस में एक दूसरे को देख के राजी नहीं हो रहे, कब तक नहीं देखेंगे बताओ, कौन सी जगह पे, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे हम लोग गए हैं और इनकी लड़ाइयां नहीं हुई हैं या इनकी कोई आपस में बातचीत खराब नहीं हुई है, हर जगह पे मैं कह रहा हूँ, हर एक सिचुएशन में मम्मी। हाँ नहीं ये तो है, तो फिर आगे ऐसे कैसे करेंगे? तो इभी मैं कह रहा हूँ ऐसे ही खत्म कर दो फिर, जब आगे मामला ही नहीं चलने वाला है। मैं सोच लिया हूँ, मैं तभी तेरा कल फोन भी नहीं उठा रहा था, मैं कहा मेरे को अब वो करना ही नहीं है, अपने खाली वीडियोस वीडियोस के लिए करते हैं और वो भी अपने बाहर मिलेंगे, बाहर वीडियो बनाएंगे। जब बनेगी को नहीं मम्मी तो फिर कैसे साथ में रहेंगे? और इसके साथ बनानी, मैं कह रहा हूँ इसको इसको इसके साथ बनानी जरूरी है और इसको इसके साथ, क्योंकि भाई साथ में ही रहना है, साथ में रहना, खाली मेरे बनान से आपके साथ को नहीं हुआ भाई, यह मेजर पार्ट है अपनी जिंदगी की, मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह, नहीं नहीं मैं तुझे भी नहीं कह रहा, मैं इसको भी कह रहा हूँ, मैं इसको भी यही बात मैंने इसको बोला, मैं कह रहा हूँ मेजर हमारी जिंदगी में है ना, हमारी पार्ट ऑफ फैमिली है। अरे है, पर अब एक मिनट में कह दिया कि वर्कआउट नहीं करेगा तो मतलब मैं साइड हो गई, मेजर को रोक लिया, बाकी जो बाहर का था उसको साइड कर दिया। या अरे वो वाली बात नहीं है, उस सेंस में नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ जब मम्मी आपस में बनाई कौनगी तो मैं कैसे जिंदगी में, जिंदगी भर ये थोड़ी करता रहूंगा कि तेरा और इसका सुलझाड़ा ही करता रहता हूँ हर जगह पे। कल आप लोग इतना नोटिस नहीं करे, कल भी इनकी बहुत बहस हुई है उनके घर पे, इनके घर पे ही बताओ, सबके सामने ये आपस में लड़ रही हूँ उधर किचन में, आप लोग तो उधर बैठे थे खाना वाना खा रहे थे, आपको पता है कौन चला? नहीं, हमें पता नहीं। मैं बताओ उधर पागलों की तरह मैं ये इनका चीखा चिल्लाड़ा संभाल रहा हूँ बार बार ही, फिर मैं कब तक करूंगा यार, मैं पूरी जिंदगी थोड़ी करता रहूंगा, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, रोज ही इनकी लड़ाइयां हो रही है। अरे नहीं मम्मी, कोई भी अपना ईगो कम करके राजी नहीं है, ना ये और ना ये, अब इसको तो मैं क्या ही बोलूं, कितनी बोलना कितना डांट लें सब तो कर ली है, अब मेरे को कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा, आगे मेरे को जिंदगी में लड़ाइयां नहीं चाहिए भाई, तो मैंने साफ सीधा डिसाइड कर लिया है कि भाई रुको मैं करता हूँ, तो मैं अब आई नो बोल है। अरे डैडी यार कुछ जिंदगी में झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है यार, खाली कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छी कोई चीज ही नहीं हो रही, हर चीज में झगड़ा है, इसको तो क्या ही करेंगे, आप घर से थोड़ी बाहर निकाल देंगे। तो आपने सोचा इजी तो जसलीन बाहर की, बाहर ही कर दो उसको। अरे बाहर करने की बात नहीं है यार, मैं नहीं चाह रहा कि तेरी लाइफ भी डिफिकल्ट हो आगे जाके, और मेरी तो हो ही रही है और तेरी भी ना डिफिकल्ट हो जाए जिंदगी में भाई, एक सब जगह बंदा यही चाहता है कि जो बंदी आ रही है वो खुश रहे, सब चीजें हों, जब तुम लोग आपस में खुश नहीं रह पाओगे तो फिर कैसे कैसे पार पड़ेगी पापा भाई, हमें दोनों बराबर है ना, इसलिए कैसे देना उसको कैसे करना।
मैं खुद रेडी, मैं तो कह के थक गया, अब और क्या करूं। मेरा तेरे को ऐसे कोई वो मतलब नहीं है, पर अब मैं सही, मैं ऑनेस्टली यार मैं थक गया हूँ यार, मेरे से नहीं हो रही यार ये सब चीजें बार बार ही। मैं अपना काम पे ध्यान दूं कि ये तुम्हारे ये सब वो करूं, तो मैंने सोचा मम्मी फिर और मैं क्या करूं बताओ। यार यो मैसा का लफड़ा हो जाएगा पापा, है यो हो जाएगा, नहीं यो है, कैसे रहोगी और ऐसे थोड़ी चले जिंदगी यार, पूरी जिंदगी मैं यही सब थोड़ी संभालता रहूंगा। खुश रहने के लिए करते हो भाई, आपस में मेल मिलाते हो। अरे भाई ना अगली खुश रह पाओगी ना वो, ना यार ना मैं, और फिर हम लोग भी ना, आप लोगों का और दिमाग खराब होगा, इसकी मम्मी का होगा, रोज रोज कलेश बैठा गया, इसकी मम्मी के पास हम हाजिरी लगाने थोड़ी जाएंगे रोज रोज, या इसकी मम्मी यहाँ आएंगी वो करने के लिए। डेली समझाना की बात है, पहले ही समझना पड़ेगा। और जब इतनी बार समझाने के बाद समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर मतलब कोई प्रॉब्लम है। इस चीज को आगे ले जाके जिंदगी झंड करनी है, अपनी भी सबकी, और मेरे को नहीं करनी भाई। डैडी सब नहीं होगी, सब नहीं तकलीफ होगी, तकलीफ तो पूरी है, इसको ज्यादा होगी, हाँ होगी है पूरी, क्योंकि अगर बोल दे कि मेरी जिंदगी खराब हो गई ऐसे तो बोलेगी मम्मी अगली, लड़ाई झगड़े कर करके सारा दिन, और फिर प्रिया की साइड ने डिसाइड कर लिया तो डिस्कशन वाला कुछ रहा नहीं है। मैं बहुत बार जैसी मैं इसमें ना बहुत बारी मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ सब, तुम तेरे को भी समझा लिया, इसको भी समझा लिया, तुम लोग कोई सा समझने के लिए तैयार नहीं हो, और मेरा एक्चुअली में इतना दिमाग खराब हो गया ना यार, मैं नहीं झेल सकता ऐसा बड़ंगे रोज रोज के यार। मम्मी एक बार हो गया, दो बार हो गया, रोज रोज मैं यार यही थोड़ी करता रहूंगा यार, और तेरे को ही खाली नहीं लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, समझ गई ना, कहीं तू ये सोच रही हो, ये तेरे लिए मेरे लिए बहुत टफ है ये सब डिसाइड करना, ना तो तेरे को शर्म आ रही है और ना इसको शर्म आ रही है यार। मम्मी टावर आरती से हर जगह लड़ाई कर रहे हैं यार, हर जगह, हर जगह कौन इनकी लड़ाई देखा बार बारी, और मैं वहां समझा समझा के मैं पागल गधा साबित हो गया हूं कि भाई ये बेवकूफ है, ये समझाता रहेगा, और मैं इसकी साइड ले लूं प्रिया की तो लोग ये बोलने लगे भाई इसकी साइड ले रहा है, लोग छोटो ये बोलने लगे इसकी साइड ले रहा है, और जसलीन की ले लूंगा तू तो प्रिया बोले बोला जैसी, और तो ये बोले कि तू तो इसकी साइड लेता है, मैं बोला मैं एक साइड हो जाऊंगा, मैं अपनी साइड हो जाऊंगा, मेरे को किसी की साइड नहीं चाहिए, मैं अकेला ही रहूंगा, ना मैं इसकी साइड रह रहा ना उसकी साइड रह रहा। मैंने कहा मामला ही खत्म करो, तब तो तू खुश हो जाएगी ना, तब सही हो जाएगा, तेरी इसके साथ बनेगी है नहीं, ना बन रही आगे। नहीं नहीं मेरा हो गया मम्मी, मैं सोच सच लिया, जो सोचना था मेरा सब हो गया, सारा ब्लेम मेरे पे ही डाल दिया। अब यही बात सेम बोल दे फिर, वही बात ये मेरे को यही बोलती है, एक सारा मेरे को ही कर दो और फिर ये बोल दे, एक बार और डिसाइड कर लो ना, मेरा हो गया मम्मी, मेरे को नहीं भाई, मेरे को नहीं कंटिन्यू करना आगे, वीडियोस बनानी है बनाओ, नहीं बनानी वो भी मत बनाओ, कुछ नहीं, जब सब कुछ ही खत्म है तो वीडियो क्या। हाँ तो सब कुछ ही खत्म कर लो, मेरे को कोई नहीं, मैं नहीं रह सकता ऐसे, तो सब खत्म करो फिर। हाँ कोई बात, मैं ऐसे नहीं रह सकता यार, लेकिन रोज रोज तुम्हारा एक ही एक नाटक थोड़ी मम्मी मैं करता रहूंगा यार, किसको समझाऊं मैं बार बार ही। नहीं नहीं अपने आप नहीं, मैंने बहुत देख के डिसाइड किया है, दोनों ने डिसाइड किया था, आपने अकेले ने डिसाइड नहीं किया था, तो इतना बड़ा डिसीजन ले रहा तो खुद अकेले नहीं लेता है बंदा, बात करता है। अरे मैं यार जैसी मैं अक गया हूँ, तेरी सारी बातें सही है, मैं अक गया हूँ, क्योंकि तुमने आज फिर बोल, मम्मी आज बोल देगी भी आपके आगे, सबके आगे बोल देगी, अपनी मम्मी के आगे बोल देगी कि हाँ भाई आगे से नहीं करेंगे, मेरे को पता है कल तुम्हारे दोनों के फिर जूत पड़े होंगे, मैं नहीं संभाल सकता यार ये सब बार बार ही। ना घर में सारे लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर एक को भी कम इंपॉर्टेंस पे रखेंगे या एक को भी हर बार उसके साथ लड़ाई होगी, जब है ही मम्मी टोटल घर में चार लोग और एक के साथ लड़ाई है, तो आप कैसे साथ में रहोगे बताओ। आंटी ये तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने सेलेक्ट किया कि इसके साथ मैंने लड़ाई करनी है। अरे तो हो रही है ना, नहीं सिलेक्ट किया मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी आपस में नहीं बन रही इक्वेशन, नहीं बन रही, मुझे लग रहा है आगे तो और बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि तब तो 24 घंटे घर में रहोगी मम्मी, तब एक एक तब एक एक छोटी छोटी बात पे इनकी तू मैं चलेगी। ये भी है बेटा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना बेटा इसका। आप बताओ मेरे को क्या सोल्यूशन है, या तो इसको घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे कि इसके साथ मैं कोई अलग घर लेके रहने लग जाऊंगा। हाँ वाह को नहीं कह रहा मैं कहीं इसके साथ अलग घर लेके थोड़ी रहूंगा, और ये घर में रह के आपस में बात नहीं करेंगी। काल मैं सोचा नॉर्मल हो जाएंगी बात करेंगी, कोई बात नहीं कर रही आपस में, मैं कहा नूं थोड़ी चलेगा यार, ऐसे कोई चीज नहीं चल सकती, ना कोई रिलेशन चल सकता है, ना कुछ भी नहीं चल सकता मम्मी। आगे जाके आज इसकी इसके साथ खराब है, कल इसकी आपके साथ हो जाएगी इसी बात को लेके, आपको भी फील होएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तेरे को कल कहना ये
नहीं चाहती हूँ कि मैं ही गलत हूँ। अरे यार इसके साथ खराब है तो वो आंटी के साथ कर लूंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे इसके साथ खराब हुई है तो वो बात एक्सकलेट होके मम्मी तक पहुँच जाएगी। अगर सामने वाले ने की है बात से बात तब हुई है, सिर्फ मैंने आके उसके मैं तेरा नहीं कह रहा अकेले, मैं तेरा नहीं कह रहा, हमने इसको भी बहुत धमका लिया, रोज धमका रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं जहाँ गलत होती है की गलत बोल रही है। अरे इसका भी इतना समझा लिया, तू मुझे बता इसका क्या सोल्यूशन है। अगर तुम लोग आपस में बात ही नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूं, जब खुद अभी खुद ही कह रही है मेरे को नहीं पता, मैंने निकाल लिया सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है कि आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अरे बात को समझा तो निकालना पड़ेगा ना, हैं समझा तो निकालना पड़ेगा। अरे यार लोगों का छोड़ो, लोगों से जिंदगी चलेगी क्या तुम्हारी, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी भी लोगों ने ये लिखा है, लोगों ने, वो लोगों से चल रही होती तो तू जाके कमेंट देख ले क्या क्या लिखा है लोगों ने। अब तू उसकी बात तुझे सुनाई दे रही है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रही, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब जो चीज हमने दोनों ने मिलकर शुरू करी थी वो अकेले तो आज ऐसे खत्म करनी। अरे मुझे नहीं पता था ना, मेरी तो इक्वेशन तेरे घर वालों के साथ टचवुड वैसी है जैसी पहले थी। मेरी तो आंटी अंकल के साथ ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है। अरे तो घर की मेंबर तो है ना, अब एक के साथ भी नहीं पटेगी तो बंदा क्या करेगा, मैं क्या करूंगा पूरे टाइम। मैं मम्मी कोई आप बताओ मैं गलत क्या चीज पे बोल रहा हूँ। बोल तो सही रहा बेटा लेकिन अब मिलके रहना पड़ेगा ना दोनों को, करना पड़ेगा। अरे मम्मी मैं पूरे टाइम ये नहीं, सारी चीजें मेरे को ही क्यों बोली जा रही है फिर। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, साइड करके सही हो जाएगा। मैं साइड नहीं कह रहा हूँ, साइड करके आपकी लाइफ सही। भाई देख तेरे को साइड करके मेरी लाइफ सही तो तेरे को भी पता नहीं होगी। तभी आप कर रहे हो, अगर तेरे को भी इतना बड़ा डिसीजन तभी लेता जब उसने, जब बंदा अक चुका होता है दिमाग से तब लेता है। सिंपल ये बोल, अरे मैं यार ये लड़ाई झगड़ों से अज्ञा हूँ, तेरे से अज्ञा को क्या मतलब है। अब तू इसको जैसे मर्जी साइड कर रहे हो, नहीं चलेगा वीडियो कर लेंगे क्या, सिर्फ काम के लिए रह गई हूँ मैं फिर। अरे मैं यार मैं क्या बोलूं मम्मी, मैं थक गया हूँ यार, एक ही एक बात समझा। तो पूरे साइड हो जा। हाँ तो हो जा, साइड हो जा फिर, और क्या बोलूं मम्मी बताओ क्या करूं मैं। मेरे पास शुरू किया फिर ऐसे ही ढंग से करो बेटा बातचीत आपस में, ऐसे नहीं होता है। खुद ही सोच लिया तो फिर बात बताने के लिए बुलाया था, मैं आती नहीं, मेरे को वैसे ही फोन पे कल बोल देते। मैं तेरा फोन तभी तो कल उठाया नहीं था, मैंने कहा पूरा मैं मैसेज ही कर देते। अरे मैसेज तो क्या आने की नौबत ही ना आती, मैं आती भी नहीं, फिर फोन पे ही खत्म कर देते। ऐसे सीन क्यों बिठाना था, जब कल इतने फोन करके भी यही करना था, अभी बता कल ही बता देते मेरे को, मैसेज ही कर देते। आज स्पेशल ऐसे वो क्यों लगाया पूरा। अरे स्पेशल कुछ नहीं, मैं तेरे को तभी बोल रहा था कि अलग तेरे को बताता हूँ चल के, मेरे घर आके बता देते, मेरी मम्मी के सामने बताते ना फिर आके। तेरी मम्मी के सामने ही बोल दूंगा, मुझे कोई वो थोड़ी लग रहा है। तो फिर आके बता देते, मेरे को स्पेशली अकेले यहाँ बुला के क्यों बताया, मेरे घर पे आके ये चीज इतनी बड़ी डिसाइड किया तो आके बोल देते, अपने घर पे तो बता ही दिया होगा ना आपने ये सोचा है। अभी बताया, पहले आपको बोला था क्या मैं ऐसा कुछ भी, अभी बोला है सब। भाई तुम लोग जब आपस में, तुम्हारा तो कुछ बैठ ही नहीं रहा ना, ये मान के राजी ना, अरे मेरी इक्वेशन छोड़, अब ये घर में आएगी तुम्हारे आपस में रोज की लड़ाइयां मैं नहीं करा सकता सॉर्ट। भाई मेरे को अपनी जिंदगी भी जीनी है, मेरे को ये सब काम नहीं करने की तुम्हारी लड़ाइयां ही मैं सही कराता बैठूं 24 घंटे। और तुम कोई छोट, तुम ऐसा तो है नहीं कोई बात होती तब लड़ाई करते, तुम तो बिना बात के भी लड़ाई करने। मम्मी ऐसे स्टेज पे पहुंच गए बिना बात की लड़ाई कर रहे हैं ना, जब बिना बात की लड़ाई करेंगे तो क्या चीज का सॉर्ट करा दूं। अरे डैडी छोटी छोटी मैं कह रहा हूँ बात, बिना बात की लड़ाई कर रहे हैं, या इसकी कोई बात पकड़ ले रही है और या इसकी, इनके इतने ईगो क्लैशेस हो गए हैं, ईगो नहीं ठीक हो सकते किसी के भी जब तक बंदा मैं नहीं छोड़ेगा। तो मुश्किल वाला काम है, मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन वाला काम है यो। अरे यार मम्मी अब मैं बात कर अकेले, अरे मम्मी मैं समझा समझा के थक गया हूँ भाई, ऐसे नहीं होता है, चल जा, ऐसे कोई करता है क्या? मेरे चक्कर में तो ये सब नाटक सारा तेरे चक्कर में हो रहा है, मेरे चक्कर में क्यों कर रहा है ये सब कुछ, तेरे चक्कर में हो रहा है। मैंने बोला तुझे, और वैसे भी सीधी सी बात है हर चीज में वो भी बराबर बोलती है, वो कोई उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई बोलती है, तू ज्यादा बोलती है समझ गई, उसने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जितनी बोल रही थी ना ये देख लो अभी भी नहीं मान रही। तू जा अंदर जाके समझा, तू चुप नहीं रहेगी क्या है? ऐसे कर देंगे कोई सॉरी नहीं बोल सकती तू? मम्मी मैं तो पिछली बार ही उसको सॉरी बोल दिया, ये कितनी बार सॉरी बोलेगी, ये कितनी बार सॉरी बोलेगी,
ऐसे थोड़ी होता है। मैं सॉरी बोल गई तब भी एटीट्यूड में, वो सॉरी नहीं बोली, वो बेबी नु कह रही है डैडी कितनी बार अगली सॉरी बोलेगी, ऐसे थोड़ी होता है, सामने वाली को भी समझना चाहिए, अगली समझ के राजी नहीं है। खाली थोड़ी है, मैं बिना मतलब खाली बोलती रहेगी, मैं सुनती रहूँ हर चीज में, खाली सुनने का ही काम थोड़ी रहेगा बस। मैं अगली समझ के राजी नहीं, अब क्या करें, मेरे एक ही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। नहीं सुनती थोड़ी होगी पूरा टाइम की, नहीं ये सब भी मत बोल, समझी, सुनने का क्यों कुछ नहीं है। पर मेरे को ये दिख गया भाई मम्मी, इनकी आपस में नहीं बनेगी, अब मैं क्या इसके अलावा मैं अब क्या बोलूं। अरे मैं समझा के थक गया अभी, अब यार जैसे रो यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, अब मैं क्या बोलूं बता। वैसे मेरे को आज ये व्लॉग भी नहीं करना था, अब आप सारे गंदे व्लॉग करते हो, तुम सारे आपस में गंदे हरकतें कर रहे हो, आपस में इतनी लड़ाई झगड़े दिखा रहे हो, जो सबसे जो दुनिया में बंदा नहीं करता है, जब सीरियस चीज होती है आप वही रिकॉर्ड करते हो बैठ के, बस रोज बुरी दिखती, अच्छी दिखती खबर तो तुम लोग अच्छी करोगे तो अच्छी भी दिखेगी, मम्मी अच्छी कर नहीं रहे ना, अब यार जैसी आप एक बार बोल तो सकते ही हो ना कि ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है चीजों का, तू मत बोल प्लीज, फिर कल अभी ये सारे बोलेंगे कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। प्रिया चुप हो जा, तू मत बोल अब बीच में, ऐसे मत कर, आंटी बोल ना सकते। अबे जैसी बोल के क्या मैं करूं यार, मैं खुद यही बोल रहा हूं तेरे को, तू अब खुद समझ यार, तू खुद समझ यार, सॉरी बोल प्रिया इसको। अरे मम्मी तो मैं नहीं, मेरे को नहीं रहना यार अब ऐसे, चाहे कोई सॉरी सारी कुछ भी हो, मेरे को नहीं रहना यार, मेरा हो गया यार, मैं नहीं रोज रोज का नाटक देख सकता ये सब, और मैं तेरे भी दो तीन चपेटे लगा दूंगा, निकल जाए यहां से, नहीं मेरे को नहीं देखना ना, तू मेरे को अपनी शक्ल दिखा, मुझे मुझे इससे भी नहीं करनी भाई कोई, मेरे को कोई नहीं बातचीत करनी पापा। अरे यार डैडी यार मैं कौन यार, आप क्या बात करो यार, रोज रोज का थोड़ी एक ही एक ड्रामा झेल सका कोई आदमी, मैं थक गया यार डैडी, मेरे को लग रहा है ना इन दोनों का आपस में कोई हेत रहा ही नहीं, एक दूसरे से कोई लगाव प्यार कुछ नहीं रहा, आपस में तुम दोनों को प्यार नहीं है क्या, चलो आओ आपस में मिलो, चलो हाथ मिलाओ। अरे मम्मी आज आप करवा दोगे फिर इनकी कल लड़ाई, मैं नहीं झेल सकता यार ये सब, मेरा हो चुका है अब, अकेले बात कर कुछ समझा, मैं कुछ मैं समझा के थक गया, नहीं मैं समझा के थक गया, मुझे नहीं समझना, मेरा हो गया भाई, मम्मी मेरा हो गया, जब मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं समझना यार, उसको परेशान करके अच्छा लगने लगा। अरे मैं कुछ परेशान नहीं कर रहा हूँ भाई, इसको थोड़ी देर बुरा फील होगा, एक दिन होगा दो दिन होगा, भाई जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है ये, ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे कुछ को नहीं मम्मी, जिंदगी भर के लिए अच्छा डिसीजन है ये, इससे बढ़िया पूरी जिंदगी परेशान हो दो चार दिन का कोई बात नहीं। अरे मम्मी पीछे पड़ने वाली कोई बात को नहीं यार, दोनों एक दूसरे को नहीं जीने दे रहे यार, वैसे भी मैं तो इसको जितनी बार भी बोलते उतनी बार सॉरी बोल देती हूँ ना, कोई वो तो है नहीं, जब चीजें बिल्कुल वो हंस पे आ गई तब सॉरी बोल दो यार, मैं तो फिर भी ये देखो हर बार आगे से आगे बात करती हूँ ना तेरे साथ। चल यार जैसे रो मत यार, रो के कुछ नहीं रखा है, रो के क्या ही होगा, मैं वही कह रहा हूँ ताकि बहुत ज्यादा वर्स ना हो, ये बेस्ट डिसीजन है, बात तो सही कह रहा है भैया, तू ऐसे वो तू क्या यही चाह रही थी क्या, नहीं बात तो सही कह रहेगा, कहने का मतलब यही चाह रही थी क्या तब से यार, तू अब मेरे बात पे गलत क्या लेके जा रहा है, तो और कैसे लूं मैं, तो अब तू कह रहा है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया तेरा, तो मैं उसमें क्या बनाऊं, तो तुम्हारे चक्कर में ही हो रहा है ना ये, यार मैं तो हर बार इसको आके सॉरी बोलती हूँ, ये तो एक बार भी नहीं बोलती दोबारा सॉरी, फिर भी मैं चल कोई बात नहीं, हर बार मैं आगे जा जाके इससे बात करती हूँ ना, इतनी अच्छी तू होती तो चीजें यहाँ नहीं आती,
तेरा भी उसमें बराबर का हाथ है जितना तू कर रही है। तू पीछे तू नहीं हट रही, मैं ये तू नहीं कह रही कि मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मैं ठीक है तेरे साथ लड़ती हूं पाला कर ही रही है अभी भी। और क्या, इसको वो नहीं है कि तूने इसको ये बोल दिया कि मेरा ये डिसीजन है, इसको वो नहीं है, इसको अभी भी मेरे को ही ब्लेम करना है, इसने भी मेरे साथ ही लड़ाई करनी है इसको। अरे फिर बहसबाजी करा है, मैं वो ही कह रहा हूं डैडी, इसको खाली अभी भी यही पड़ी है। मैंने अभी कहां कर तू छोड़ यार, क्या वाली बात है इसमें, अभी भी तू अभी उसमें ऐतर को उल्टा आ गया, अभी भी सॉरी बोल रही है, अभी भी तू मेरे पे चिल्ला रही है, मुझे ब्लेम कर रही है। ये नहीं है कि ठीक है हाँ चलो हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि सॉरी हो जाए। सॉरी मैं तेरे पे चिल्ला रही हूं ना, ये देख। अरे यार मैं वही कह रहा हूँ तुम लोगों का नहीं यार, तुम मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा यार, पापा ऐसे कुछ चलेगा क्या यार। सारी चीजें मेरी साइड से नहीं हो रही, तेरी साइड से भी चीजें हो रही है, तू भी बराबर बोल बोल के जाती है हर चीज में। मैं ये देख लो इनका अभी भी मामला, ये देख लो चाहे कितनी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाए इनका आपस में, यही लगा हुआ था। अरे यार मैं थक गया यार, मेरे से नहीं हो रहा यार, वाकई में मैं थक चुका हूँ यार, जैसी यार हो गया यार, अब मैं मेरे को नहीं रहना यार, नहीं मेरे को नहीं रहना, सीरियसली नहीं रहना यार। हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा हो गया, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा यार, अब खुश है, यही चाहिए था ना। मैं तो अभी भी इसको सॉरी बोल रहा है, अभी भी यही आ गया उसमें, वो उल्टा बोल रही है, बोल रही कि नहीं बोल रही, ऐसे मत करो बेटा, आप चलो ऐसे ही कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो क्या। अरे पापा आज एक दिन बुरा लगा, दो दिन बुरा लगा, तीन दिन बुरा लगा, नॉर्मल हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर फिर ऐसे हो गया तो बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी भी और अपनी भी। अरे साथ में वीडियो बना, साथ में काम करना है। अरे वीडियो वीडियो के पापा नॉर्मली कौन रह पा रहे, वीडियो के बनाओगे क्या, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अब मस्त है, बस यही चाहिए था जिंदगी में, डैडी या तो बोलती है माफी तो मांगती है, ऐसा नहीं है माफी नहीं मांगते, नहीं मांगती, सारे माफी मांगते हैं। मैं तेरा ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लड़ाई करनी क्यों है, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि हाँ जसलीन भी करती है ये चीज, दस बार मैंने बोला, दस बार मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ही फंसता हूँ मम्मी हर जगह अभी, अभी आपने बोला कि वो तो पापा सॉरी बोलती है, वो तो ये करती है, बाकी सारी जितनी बातें फंसने की दिख रही तेरे को कोई जगह, मैं तो बता रही हूँ इसने बाकी जितनी चीजें वो तो कुछ नहीं पकड़ी, इसने यही सामान पकड़ा अभी भी कि बस तूने इसने सॉरी बोला वो तूने नहीं बोला इसको कि हाँ तू भी सॉरी। अरे यार मम्मी अब बता, ये देखो वही सिचुएशन हर बार ओढ़े ही पहुंच जाए ना यार, क्या यार दिमाग, अभी भी ये नहीं, इसमें मैंने उसको सॉरी बोला अभी भी ये नहीं बोल रही कि चल हाँ ठीक है हम आगे ट्राई करेंगे दोबारा, अब हम प्यार से रहने लड़ाई करेंगे, अभी भी इसको उसमें भी बहस करनी की ब्लेम कर करके। भाई मम्मी मैं अब तू बता दे जैसी क्या करना है, है? ने बता दिया ना, हो गया छोड़ो, नहीं तू बता दे बेटा, तू बताएगी वही होगा, इसकी तो क्या मजा ले, इसी की है, इसी ने बता दिया, इसी ने सब ना, तू बता दे, तू ही बोल, इसको बोल दे, कहते मैं तो नहीं करती ब्रेकअप, मैंने तो बोला ही नहीं इसके शब्द है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आती ये सब चीजें, आनी भी नहीं चाहिए। अरे मम्मी मेरे भी नहीं आती यार, इसके तुम्हारे दिमागों में लड़ाइयां जो आ रही है 24 घंटे, तुम्हारे दिमाग में ये सब कैसे आएगा, इसके दिमाग में खाली ये चीज आती है कि प्रिया से कैसे लड़े, सही कह रही है, मेरे पास दुनिया में कोई थोड़ी है बंदा जो तेरे अलावा है ही नहीं, हम चार यार, हम चार ही लोग तो हैं तेरी जिंदगी में, उठते जाते मैं तेरे बारे में तो सोचती हूँ कि सुबह होगी चलो प्रिया के पास चलती हूँ लड़ने, हम चार ही लोग तो हैं तेरी जिंदगी। अरे यार मेरा दिमाग बिल्कुल ही मिला क्या भाई, पता नहीं क्या मिल रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये रोज रोज के नाटक है ना, मैं तंग हो गया, मेरे को करने नहीं है पापा, मेरे को करने नहीं अभी रोज रोज के नाटक, मैं थक गया हूँ यार मम्मी, अब जान दो यार, बंद कर दे, अब जान दो ये रोज रोज, बंद बंद कर दो यार, जान दो, बंद कर हो गया मेरे को रोज रोज, पापा मैं थक गया यार पापा, रोज रोज फिर बताऊंगी मैं आपको, भाई मैं तो अपना काम करूंगा ही, अब मैं अकेले ही करूंगा सारी चीजें आगे से, खत्म कर इसको, हाँ तो मैं खत्म ही कर रहा हूँ मम्मी सारा, हो आ गया नंद भाई वाले चैनल को भाई बहन वाला चैनल बना देंगे। अरे वो तू यार पागल है यार, चैनल वैनल की क्या तू ये सब कर रही है, सारी चीजें बदल दो, जसलीन हटा दो, सब सही हो जाएगा हर जगह से। अरे यार नजरीन को पकड़, नजरीन को हटा के उसको बयान कर दिया, एक ब्रेकअप ट्रैक मेरा।
चल प्रैंक था कोई नहीं, तुझे ऐसा कैसे लग रहा है भाई कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? पागल, मैं खुद को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझ में तू ही तू है पगली, वो देख सामने। अरे पगली है क्या, प्रैंक था पागल है क्या, तू भी इतनी सीरियस हो गई है? प्रैंक था भाई, प्रैंक है भाई ये, देखो कैसे रो रही है। दो चार मार दे इसको थप्पड़, दो चार मार, दो चार वो वाली क्लिप लगा दे कि थप्पड़ अपना मार, दो चार चाटे तो बजा, दो चार तो मार इसको तभी तो मजा आए, लगा लगा इसके देखना कितना तू आफ्टर इफेक्ट तो भूल ही गया। और ये तेरा ये चेहरा ही लगाना है तेरा, मैं भी आपसे भी पानी करूं अब इसका यही चेहरा लगेगा भाई, सब लोग मिल जाते। अरे बस 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 बस, नोची वाला चेहरा ही लगेगा। ओ कले लग लो भाई दोनों जन, ओए मेरे बच्चा मम्मी से डांट पड़वाऊंगा, मम्मी से डांट पड़वाएगी मम्मी। आज तू भैया वाला काम आज ये करेगी, सारे घर के टिश्यू पेपर आज ये खत्म करेगी। चल चल पानी दो भाई लड़की को। ओहो अब रियल में धक्का दे रही है भाई, अब मैं तुझे धक्का दे दूंगी सच में, समझ गई? गाड़ी बड़ी पे सच में लड़ाई होगी। बोला अंकल आप भी इनके साथ लग जाते हो। अरे हमने तो मना किया था, ये भैया का आइडिया था, हमने बहुत मना किया भाई, मजा कर दे मजा, नहीं माना। धड़कन देख कितनी तेज हो गई, ओए बेटे ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे तुझे छोड़ दें ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं लड़े, साथ में ही लड़ेंगे और किसके पड़ोसियों से लड़ूंगी। मैं कितनी देर से सुसुर होके बैठा पता है, कितनी देर सुसु मारा, मैंने एक लाइन बोली थी इतनी प्यारी, अब बोल दे। मैंने कहा कि मैं तुझे कैसे छोड़ मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, दो मिनट में। अरे सुन तो सही, लाइन सुन, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो खुद को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझ में तू ही तू है पागल। ओए होए क्या बात है, और इसका चेहरा कैसे आएगा।